हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बेसन वाली भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। फ्रेंड्स, इसे बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं। जो भिंडी खाना नहीं पसंद करता, वो भी इस तरीके से बनाए हुए भिंडी को खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। हम बेसन वाली भिंडी बनाएंगे। तो बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए हमने भिंडी को धो के सुखा लिया है। आपको जल्दी बनाना है तो कपड़े से भिंडी को फोंच के फिर काट लीजिए। तो बेसन वाली भिंडी के लिए हमने ऐसे शेप में भिंडी को काट रखा है। 400 ग्राम भिंडी है हमारा। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लिया है। गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। हम गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर लेंगे। अब उसमें हम डालेंगे बेसन। तो बेसन को हम डाल के और इसे 3 से 4 मिनट तक एकदम स्लो फ्लेम पे भूनेंगे। बेसन की कच्चापन हमें दूर कर देनी है, तब तक भूनना है। कन्नी चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जल जाता है। तो ये बात ध्यान में रखें, आप गैस का फ्लेम स्लो करके कंटिन्यू चलाते हुए बेसन भूने। तो आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम इसमें ही आधा चम्मच हींग डालेंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। बेसन के साथ हम मसाले को स्लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बेसन मसाला भून चुका है। मैं फिर से बता दे रही हूँ, चलाना हमें नहीं रोकना है, नहीं तो मसाला बेसन जल सकता है और बेसन वाले भिंडी की टेस्ट खराब हो सकती है। हमने बेसन के साथ मसाले को 2 मिनट तक भून लिया है। बहुत ही खुशबू आ रही है इसमें से। ये तो आप बनाएंगे तो ही पता चलेगा। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, जो भिंडी को हमने काट रखा है उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बेसन में निपटने के बाद बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती है और पकने के बाद तो टेस्ट का क्या कहना है। आप देख सकते हैं हर एक भिंडी में बेसन और मसाले की कोटिंग हो गई है। जैसे हम भरवा भिंडी बनाते हैं वैसे मसाला लिपट चुकी है भिंडी में। अब हम इस स्टेज पे कवर करके 2-2 मिनट पर चलाते हुए भिंडी को 10 मिनट तक पकाएंगे। अब हम फ्लेम मीडियम कर लेंगे। चलिए हम कवर हटा के भिंडी दिखा देते हैं आपको। आप देख सकते हैं अपनी सब भिंडियां जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें ढकना नहीं है, अब हम खुले में भिंडी बनाएंगे।
नमक डालने के बाद हमने एक मिनट तक भिंडी को फिर से पका लिया। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे एक चम्मच गरम मसाला लिए हैं। मसाला को हम चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे क्योंकि भिंडी सॉफ्ट हो चुकी है, हमें अभी से ज्यादा नहीं चलाना है। आराम आराम से उलट उलट के मसाला को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं एक एक भिंडी जो है मसाले से लिपटी हुई अच्छे से पक चुकी है। अब हम 2 मिनट तक इसे तेज फ्लेम पे क्रिस्पी कर लेंगे, इससे इसकी स्वाद और है बढ़ जाएगी। तेज फ्लेम पे हमने भिंडी को अच्छे से भून लिया है, तो अपनी बेसन वाली भिंडी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। गर्मा गर्म सब्जी हम सर्व कर लेंगे। बेसन की भिंडी बनकर तैयार है। इसे आप पूरी, पराठा, चपाती, राइस के साथ खा सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान और खाने में टेस्ट जबरदस्त लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।